हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षा चोपड़ा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने मौलाना आज़ाद के बारे में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल सर्च करके देख लें, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके एमएएमसी का वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली यानी यूसीएमएस के बारे में जानकारी लेंगे। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के साथ पीजी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। सन 1971 में ये कॉलेज स्टार्ट हुई थी और ये दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी डीयू द्वारा एफिलिएटेड है। स्टूडेंट मौलाना आज़ाद के बाद इसी मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ भी इसके इक्वल ही रहती है। इसकी फीस बहुत ही कम है। जब एम्स व जिपमर की एग्जाम अलग से होती थी तो ये सेकंड नंबर की कॉलेज हुआ करती थी। तो आइए देखते हैं इसकी सीट मैट्रिक्स, इसमें एडमिशन कैसे लें, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और 2020 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसमें एडमिशन कैसे लें। दोस्तों, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की तरह इसमें भी दो प्रकार का कोटा होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण दोनों प्रकार के कोटा, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा करवाई जाती है। नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद जून में एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। और जब चॉइस फिल होगी तब आपको यूसीएमएस सेलेक्ट करना है। इसमें नीट स्कोर के मेरिट बेस पर वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। अब हम देखें कि इसकी सीट मैट्रिक्स क्या है। तो इसमें टोटल 150 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा की टोटल 23 सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 12, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 2 और जनरल पीएच की 1 सीट है। स्टेट कोटा की टोटल 123 सीट्स हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखें हम तो 15% ऑल इंडिया की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 2018 में 645 मार्क्स रही थी, 2019 में 676 मार्क्स रही थी। ओबीसी कैटेगरी की 2018 में 630 मार्क्स रही थी, 2019 में 665 मार्क्स रही थी। एससी कैटेगरी की 571 2018 में रही थी, 626 2019 में कट ऑफ रही थी इसकी। एसटी कैटेगरी की 523 कट ऑफ रही थी 2018 में, 595 कट ऑफ रही थी 2019 में 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब इसकी 2020 की कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में चर्चा करें। तो जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की 620 कट ऑफ रह सकती है, स्टेट कोटा की 600 कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 615 कट ऑफ रह सकती है, 590 रह सकती है स्टेट कोटा की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 610 ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की 555 कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी की 580 ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की 465 कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैटेगरी की 560 ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की 365 कट ऑफ रह सकती है। इसमें पीएच की बात करें तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीएच कैंडिडेट के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ जा सकती है, फिर भी हम 180 के नियर बाई इसकी आशा करते हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पीएच कैटेगरी की 180 के नियर बाई जा सकती है, बाकी जो पीएच हैं उनकी और भी डाउन जा सकती है इसकी कट ऑफ। इसकी फीस की बात करें तो फीस बहुत ही कम है इसकी। पूरे एक साल की फीस 5,295 रुपये इसकी एनुअल फीस है ऑल इंडिया कोटा की। इसके बाद इसकी हॉस्टल जो ड्यू है वो 295 रुपये मंथली हॉस्टल ड्यू है इसका। तो इस प्रकार से काफ़ी कम फीस होने के कारण स्टूडेंट इसको मौलाना आज़ाद के बाद ही प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी यूसीएमएस के बारे में।
अगर मौलाना आजाद और टॉप के एम्स में एडमिशन नहीं मिले तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। इस कॉलेज में मैंने 2010 से 2013 के बीच काफ़ी बार विजिट किया है जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था। जब इस कॉलेज में इंटर करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए। इस प्रकार के कॉलेज कम मार्क्स पर भी इस बार मिलने की संभावना है क्योंकि टॉप स्टूडेंट एम्स व जिपमर में एडमिशन ले लेंगे। अगर आपका भी सपना इस कॉलेज में एडमिशन लेने का है तो आप मेरे को अवश्य ही याद करेंगे, स्वर्ग वाली बात जो मैंने सही कही थी ये सोचेंगे आप। ये इस साल उन स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है जो टॉप से थोड़ा डाउन रह जाएंगे तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी UCMS के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इस प्रकार की नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।